नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया किरानी और प्यून, आम आदमी बनकर डीडीसी पहुंचे थे सदर अस्पताल। नवगछिया में बंद घर से बेहोशी की हालत में मिले 5 लोग, एक मासूम की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। दहेज के लिए ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की ले ली जान, घर में मचा कोहरा। अस्थि विसर्जन करने पहुंचे पैक्स अध्यक्ष के गंगा में डूबने से हुई मौत, शव की तलाश में जुटे गोताखोर। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगाया गया शिविर, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अधिकारियों ने कही बात। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर डीडीसी कुमार अनुराग के एक्शन से गुरुवार को सदर अस्पताल समेत कई कार्यालयों में हड़कंप मच गया। दरअसल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल कार्यालय में कर्मियों द्वारा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के एवज में रिश्वत लेने की शिकायत वरीय पदाधिकारियों को मिली थी। इसके बाद भागलपुर के नए डीडीसी कुमार अनुराग एक कैंडिडेट के साथ सामान्य रूप से कार्यालय पहुंचे, जहाँ आवेदन के साथ सभी आवेदक से रिश्वत भी ली जा रही थी। वहीं इसको देखते ही डीडीसी ने इसकी जानकारी सदर एसडीओ और पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने पहुंचकर जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल के 3 कर्मियों को दबोच लिया। लेकिन इसमें से एक कर्मी वहां से फरार होने में सफल हो गया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसको लेकर डीडीसी कुमार अनुराग ने कहा कि आम लोगों को किसी भी प्रकार से अगर सरकारी कार्यालयों में प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करने पर होने वाली सुविधा या रिश्वत मांगने की शिकायत आवेदक वरीय पदाधिकारियों से करें, जिससे इस तरह के कार्यों पर रोक लग सके। वहीं एसडीएम ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत एक लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समेत एक अन्य कर्मी को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसमें एक फरार हो गया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर्मियों के पास से 15,200 रुपये बरामद हुए हैं, जिसके बाद रिश्वतखोरी के आरोप में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसको लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर सदर अस्पताल में रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा था, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। एसडीओ ने बताया कि जब इसकी सच्चाई जानने गुप्त रूप से डीडीसी सदर अस्पताल पहुंचे, तो रिश्वत लेते रंगे हाथ लिपिक, चपरासी और कंप्यूटर असिस्टेंट को पकड़ा गया। एसडीओ ने बताया कि सिविल सर्जन के अस्तर से पकड़े गए कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है, जबकि इस तरह की कोई भी शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मतलब कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें जो संबंधित शाखा के जो लिपिक हैं उनके द्वारा कुछ अवैध वसूली की जा रही है, तो उसी जो कंप्लेनेंट थे तो उसी के आलोक में जांच की गई और जांच में वो पाया गया कि वो कुछ अवैध वसूली कर रहे थे, तो उन लोगों को थाना को सपोर्ट कर दिया गया है। और साथ ही में जो पैसे बरामद किए गए हैं वो भी जबकि उसी बना के थाना को दे दिया गया है, सिविल सर्जन साहब के स्तर से उनके एफ आई आर करवाया। क्या नाम था उनका सर जो पकड़ा है? जो संबंधित लिपिक है, नाम तो मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 3 लोग हैं, लिपिक हैं एक और एक प्यून है और एक जो कंप्यूटर असिस्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ पैसा ले रहा था उसमें, तो अभी लिख के दिए, अभी दी है 2-3 लड़की लिख के दिए कि हमसे पिछाई मंगाया जा रहा था, किसी संदर्भ में एफ आई आर नंबर हो रहा है। क्या सर उसके पास से पैसा मिला? सर बस जैसा हम लोग कर रहा है 15,250 रुपये मिला। अच्छा, 15,250 रुपये। ये सदर अस्पताल के लिपिक थे सर? तीनों आदमी बात सदर अस्पताल के लिपिक ही न थे? नहीं, स्टेनो के। स्टेनो थे सदर अस्पताल। नवगछिया भीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीपुर दक्षिण पंचायत के सोन बरसा हरिजन टोला गांव में एक महादलित परिवार के बंद घर से बेहोशी की हालत में एक ही परिवार के 5 सदस्य मिले, जिसमें से 3 वर्षीय एक मासूम बच्चे बालवीर कुमार की मौत हो गई। घटना को लेकर घायल भूपेंद्र दास के भतीजा रमेश कुमार ने बताया कि उनके चाचा के घर का दरवाजा काफी देर से बंद था और उसे बाद में खुलवाया गया। रमेश कुमार
कुमार ने बताया कि दरवाजा खोलने पर घर के अंदर लहूलुहान पड़े परिवार के पांचों सदस्यों को देख वे लोग दंग रह गए। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इधर बेपू थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र दास, आरती देवी, आर्निका कुमारी और साजन कुमार को इलाज के लिए बेपू PSC में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से चारों घायलों को मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर महिला आरती देवी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना को लेकर नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि घटना को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी आपस की लड़ाई में लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। मामला है कि ये लोग मार के फेंक दिया है सबको, मेरी बच्ची को, आरती को, ये सब ने मिल के इसको मारा है, बच्चे मित्र को भी मार दिया है। अब क्यों मारा है इसका कारण अब हम नहीं जान सकते, हम तो दूर हैं। जैसे हम सुबह में सर जगे तो हमसे हमारा काम है थोड़ा सुबह होता है ना, तो हम जग के थोड़ा बगीचाओं का फ्रेश होने जाते हैं। फिर उधर से आए मम्मी और छोटा मेरा भतीजा, और बोला मम्मी कोई जगह नहीं है, अभी आवाज़ दिया जगाया। फिर वहाँ से मेरी मम्मी घर खोला, अंदर में देखा तो माहौल ऐसा था, वही सब बेहोशी का हालत में पड़ा था, ब्लड उलड इधर उधर गिर रहा था। कौन मारा होगा? मेरा मालूम नहीं सा, मारते तो देखते तो हमें, ऐसा थोड़ी होता। दहेज के लिए एक बार फिर से नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पूर्णिया के रुपौली निवासी गणेश प्रसाद साह की पुत्री नेहा कुमारी की शादी 6 दिसंबर 2021 को नवगछिया के रहने वाले पप्पू शाह के साथ हुई थी, जिसे पति और ससुराल वालों के द्वारा अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। जबकि परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार दिवाली की रात नेहा को उसके पति, सास ससुर और ननद ने दहेज के पैसे की मांग को लेकर जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके कारण नेहा के शरीर की हड्डी टूट गई थी और इसके बाद इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। इसको लेकर मृतिका नेहा के परिजनों ने बताया कि शादी में नगद रुपये के साथ सब कुछ दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पति और ससुराल वालों ने 5 लाख रुपये की मांग की थी, जिसको लेकर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही कहा कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उनकी 4 माह की गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। जबकि मृतिका के पति पप्पू शाह का कहना है कि उनकी पत्नी दिवाली की रात छत से गिर गई थी, जिससे उसके शरीर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया और निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि दहेज को लेकर आरोपी पति ने कहा कि उन लोगों ने शादी में दहेज नहीं लिया था और ना ही उसके बाद दहेज की कोई मांग की गई थी, जबकि उनकी पत्नी के मायके वाले उन पर दहेज के नाम पर नेहा की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर मामला 25 तारीख है, दीपावली के दिन, 24 तारीख को दीपावली था ना, तो 24 तारीख मामला है रात का। और थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत हुआ होगा सुबह, फिर ये सब जब अभी जो वीडियो दिखाए सुबह का घटना है, और उसके बाद मारते मारते बेहोश कर दिया, इसको लगता है ऊपर से फेंक दिया गया है या जैसे किया हो, तो हम लोग देखे नहीं थे। 4 आदमी मिल करके मारा है सर। पति का नाम है पप्पू शाह, उसके ससुर जी का नाम है सुबोध शाह, उसकी बहन का नाम है कोमल कुमारी, एक तो उसकी माँ का नाम है रानी देवी। सब मिलके मारा चार, जी चारों मिलके मारा है घर में। सर मेरी पत्नी जो है सर दीपावली के सुबह होके छत पर से गिर गई थी, तो गिर गई तो हम सब उठा के यहाँ भागलपुर मसीह आजम के पास आए, और मसीह आजम के आने के बाद वो बोले सर कि हड्डी का पीछे वाला भाग टूट गया है, जिसका ऑपरेशन होगा, तो वो ऑपरेशन बोला हम 1 तारीख को करेंगे, तब तक मरीज़ जो है ना ट्रीटमेंट होगा और 1 तारीख को ऑपरेशन करेंगे। तो कल सर ऑपरेशन ही हो रहा था, ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन ठीक ठाक रहा, ऑपरेशन होने के बाद जो है धड़कन कुछ बंद हो गया सर, उसके बाद जो है ना उसको ICU में बंद किया गया। ICU में सर मेरी बीवी डेथ कर गई, सारा सर इलाज हम कर रहे हैं सर, और डॉक्टर सर दहेज के लिए आप मारे हैं आरोप? दहेज के लिए सर ये मुझे खामखा फंसाया जा रहा है सर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी 3 टंगा जहाज घाट पर अस्थि कलश विसर्जन करने पहुंचे पैक्स अध्यक्ष गंगा स्नान करने के दौरान अचानक नदी में डूब गए, जिसके बाद काफी खोजबीन करने पर भी 30 वर्षीय पप्पू मंडल का शव नहीं मिला।
बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड अंतर्गत टीकापट्टी थाना क्षेत्र के औछो कप्पा तिंगडंगर निवासी कोरियर पश्चिम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पप्पू मंडल अस्थि कलश विसर्जन के बाद गंगा स्नान करने के लिए नदी में गए थे, लेकिन इसी दौरान वह नदी की तेज धारा की चपेट में आकर लापता हो गए। वहीं इसकी जानकारी परिजनों द्वारा मिलते ही गोपालपुर सीओ एवं थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की गई, जबकि इस हादसे के बाद टिंगडंगर जहाज घाट पर परिजनों के बीच अपनी सन्नाटा पसर गया और सभी घर वाले पप्पू मंडल के सुरक्षित बरामदगी का इंतजार करते रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और काफी देर बाद भी पप्पू मंडल का कुछ भी पता नहीं चलने से वहां चीख पुकार मच गई। वहीं पैक्स अध्यक्ष पप्पू मंडल के साथ आए लोगों ने बताया कि मैनी संस्थान टोला गांव के शंकर भगत की मौत इलाज के दौरान मुंबई में हो गई थी, जिसका दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद सभी लोग अस्थि कलश के विसर्जन के लिए नदी में गए जहाँ वे इस हादसे का शिकार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर गोपालपुर अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आपदा विभाग एवं एसडीआरएफ टीम के द्वारा शव की खोजबीन शुरू की गई। भागलपुर जीरो माइल स्थित रेशम भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी उद्योग विभाग के जीएम और बैंक के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी डीएम सुब्रत कुमार सेन का स्वागत जीएम संजय कुमार वर्मा द्वारा अंग वस्त्र पौधा और मोमेंटो देकर किया गया। जिलाधिकारी ने रेशम केंद्र में नए उद्यमियों के द्वारा लगाए गए उनके उत्पादन के स्टॉल को देखा और उनके उत्पादन की जानकारी लेते हुए सभी नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों से स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नए उद्यमियों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सहायता को समय से मुहैया कराए जाने और बैंक के द्वारा हर संभव मदद उद्यमियों को कराए जाने का दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही नए उद्यमियों को सरकार के द्वारा सहायता दिए जाने का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया, जबकि बिहार सरकार के द्वारा दिए गए 10 लाख रुपये सहायता राशि के व्यापार प्रारंभ कर अच्छा काम कर रहे उद्यमियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा उद्यमी योजना के तहत सम्मानित होने वाली स्वीटी कुमारी काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने कहा कि वह बिहार सरकार के महिला उद्यमी योजना से लाभान्वित होकर देसी होम फ्लेवर ब्रांड से शुद्ध सरसों तेल का निर्माण कर रही हैं और लगातार लोगों से मिल रहे सहयोग के कारण उनका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। इधर कार्यक्रम के समापन के दौरान जिलाधिकारी ने रेशम भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मौके पर बड़ी संख्या में उद्यमी उद्योग विभाग के कर्मचारी अधिकारी और बैंक अधिकारी मौजूद थे। का ये कार्यक्रम यहाँ पर रेशम भवन में जो उद्योग विभाग की कार्यालय की बिल्डिंग है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें सारे बैंक के वरीय पदाधिकारियों को बुलाया गया था और जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है उसमें कई लोगों ने जो अपना काम शुरू किया है उनके प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगी है और इसके अतिरिक्त जो PMEGP है उसमें जो लक्ष्य है उसका 50% हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो जिन बैंक्स ने अच्छा किया है उनको सम्मानित भी किया गया है और जो बचा हुआ लक्ष्य है वो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि अगले 2 से 3 महीने में हम लोग निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसके लिए लगातार हम लोगों की बैठकें भी हो रही हैं और कई ऐसे कार्य हैं और कई ऐसे इस जिले की विशेषताएं हैं, जैसे मैंने अपने अभिभाषण के दौरान भी बताया कि 2-2 GI प्रोडक्ट यहाँ का जर्दालू आम और कतरनी चावल और चूड़ा जो है जिस पे विशेष हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कई ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपना नया कुछ काम शुरू किया है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सरसों तेल का स्टॉल लगाया है, किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ऑयल का प्लांट बैठा है, उस पर सरसों तेल का शुद्ध सरसों तेल का मैन्युफैक्चर यूनिट बैठा है। हमारा यूनिट है मंसर नाथ नगर में और ये हमें मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना के तहत हमें ये लाभ मिला है जिसके तहत हम शुद्ध सरसों तेल का यूनिट बैठा है और हमारा यही मोटिव है कि हम सबको शहरवासियों को शुद्ध सरसों तेल प्रदान करें क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वस्थ है शुद्धता है तो स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब मैं वहाँ गया मैं उनसे इलाज कराया तो मैं पूरी तरह से अब
स्वस्थ हूँ, बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज़, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है, मुझे विश्वास नहीं था लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करबुड़ी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में मेरा वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था, तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया। वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है, तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा, दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई, तो अब ठीक हो जाइएगा। तो दवा खाते हुए ही, अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचे हम, एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर के मेरे आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है, उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है, पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Khabib Pro Academy and Saroon Kacheri Chowk near Dhaba Hotel at Atyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्ट्रेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोड हेयर फॉल ट्रीटमेंट
एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्राफेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एस टी एयरब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नालसा द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि गांव के लोगों को कानून और इसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नालसा दिल्ली की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 13 नवम्बर तक सभी पंचायतों में कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सचिव ने कहा कि जागरूकता अभियान से लोगों को जोड़कर कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाएगी, जबकि इसके अलावा जेल में बंद कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल वाले कैदियों के केस से जुड़ी जानकारी का डाटाबेस तैयार कर नालसा को भेजा जाएगा। इसमें अधिवक्ता समेत कैदी से जुड़ी सभी जानकारी समाहित रहेगी। वहीं सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि 6 नवंबर को समीक्षा भवन में मेगा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जबकि 9 नवंबर को ADR भवन में प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि 12 नवंबर को साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है और अधिक से अधिक लोग अपने सुलहानी लंबित मामलों के निपटारे के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत और जेल में बंद कैदियों के लिए चलाए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम का लाभ ले सके, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नालसा की तरफ से एक हक हमारा भी है कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें जो जेल में बंद कैदी हैं उनका डिटेल लिया जाएगा, उनका कार्ड बनाया जाएगा और उनको उनके बारे में बताया जाएगा कि आपका केस कहाँ पेंडिंग है, आपके केस में क्या प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2 टीमें बनाई हैं, जिसमें एक कोर टीम है और एक फील्ड टीम है। कोर टीम में सेक्रेटरी, 2 अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। फील्ड टीम में PLB पैनल के अधिवक्ता रहेंगे, जो जेल अथॉरिटी में जाएंगे और वहाँ उन लोगों का इंटरव्यू लेके क्वेश्चन आयर तैयार करके यहाँ सबमिट करेंगे। दूसरा है पैन इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, लीगल अवेयरनेस कैंपेन रहेगा जो पंचायत स्तर तक सभी गांवों में जाके डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा, लीगल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा और सरकार की जो स्कीमें आई हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में प्रकाश पर्व को लेकर शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 600 श्रद्धालु प्रकाश पर्व में शिरकत करने के लिए राजगीर पहुंच चुके हैं, जबकि 400 प्रवासी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राजगीर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 554वें प्रकाश पर्व की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिसमें श्रद्धालुओं आवासन स्थल से गुरुद्वारा एवं अन्य जगह पर लाने के लिए 135 ई रिक्शा का निःशुल्क परिचालन की व्यवस्था की गई है। साथ ही 50 अतिरिक्त ई रिक्शा को रिजर्व में रखा गया है। वहीं इसको लेकर सभी आवासन स्थल पर 24 घंटे का हेल्प डेस्क की व्यवस्था है, जबकि गुरुद्वारा के सामने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इधर प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर राजगीर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि सभी आवासन स्थल समेत कुल 12 स्थानों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें अभी तक 300 से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है, जबकि विधि व्यवस्था को लेकर 14 स्थानों पर CCTV कैमरा लगाया गया है, जिसका मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से लगातार की जा रही है। साथ ही DM ने बताया कि इसके साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो। इसके पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि एवं महानिदेशक पटना प्रक्षेत्र राकेश राठी भी प्रकाश उत्सव का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मनाया जा रहा है इस पावन अवसर पर श्री अखंड पाठ रखा गया, जो 48 घंटा लगातार चलेगा। 5 तारीख को इसकी निर्धारण समाप्त होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आज शुभारम्भ हो गया है। कल 4 तारीख को नगर भ्रमण बहुत ही शोभा यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाला जाएगा।
गुरु ग्रंथ साहब की सवारी पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन में सब लोग समाप्त लोग शामिल होंगे और मुख्य समारोह 5 तारीख को होगा। समापन समारोह गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव पूरे मर्यादा के अनुसार मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो लगातार इस आयोजन में हमेशा तत्पर रहे और बढ़िया से व्यवस्था किया है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया किरानी और प्यून आम आदमी बनकर डीडीसी पहुंचे थे सदर अस्पताल। नवगछिया में बंद घर से बेहोशी की हालत में मिले 5 लोग, एक मासूम की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। दहेज के लिए ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की ले ली जान, घर में मचा कोहरा। अस्थि विसर्जन करने पहुंचे पैक्स अध्यक्ष के गंगा में डूबने से हुई मौत, शव की तलाश में जुटे गोताखोर। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगाया गया शिविर, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अधिकारियों ने कही बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।